जन आशीर्वाद रैली में पहुंच उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने लोगों को किया संबोधित। जाने पूरी खबर इंसाफ की बात पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की बात और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। सूरजकुंड ग्राउंड में आयोजित जन आशीर्वाद रैली में पहुंचकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने लोगों को संबोधित किया। जी हाँ, दरअसल जन आशीर्वाद रैली में बात करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। बता दें कि उन्होंने फरीदाबाद के विकास पर बात करते हुए कहा कि इस बार FMDA के विस्तार के लिए 2000 करोड़ की राशि बजट में रखना दिखाता है कि हमारी सरकार के लिए फरीदाबाद का विकास कितना जरूरी है। FMDA, GMDA और जो 3 नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है उनके लिए स्पेशल, बड़ी वालियों के जो दोनों पुरानी थी उनके लिए 2000 करोड़ के लगभग का, और नए वालियों के लिए 200 करोड़ का स्पेशल प्रोविज़न रखा गया। और मैं मानता हूँ कि गुड़गांव क्योंकि खुद टैक्स कलेक्शन में आगे है वो सब सक्षम हो पाया है। फरीदाबाद की व्यवस्था धीरे धीरे सुधरी भी है और सुधार। उन्होंने कहा कि 1500 डिजिटल लाइब्रेरी बना चुके हैं और लक्ष्य है हर गांव और शहर की वार्ड में डिजिटल लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें जिससे गरीब वर्ग को भी शिक्षा सुविधा मिले। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हमने संकल्प लिया था कि फाटक मुक्त हरियाणा बनाएंगे। आज खुशी मिलती है कि हरियाणा में 29 फाटक मुक्त करने रह गए हैं और अगले 1-1.5 साल में हरियाणा फाटक मुक्त कर दिया जाएगा। कि कांग्रेस वो पार्टी थी जो कहती थी हमारे से मजबूत आज प्रदेश में कोई नहीं, और उनको आम आदमी की पार्टी को बैसाखी के तौर पर लेना ये साबित कर देता है कि आज के दिन एक बुलबुला कांग्रेस के नाम का था जो फटना शुरू हो चुका, और जनता भी इसको बेभांति जानती है और वोट की चोट से जनता इसका जवाब। मैं तो पंजाब सरकार से निवेदन करूँगा, जैसे हरियाणा सरकार ने 14 फसलों को MSP पर लेने का काम किया है, पंजाब के अंदर भी वो कदम उठाने चाहिए, तभी जाकर पंजाब का किसान भी सशक्त हो। वहीं आप और कांग्रेस के गठबंधन पर उन्होंने कहा कि सबसे मजबूत पार्टी होने का दावा करने वाली कांग्रेस को आज आप जैसी पार्टी की बेशाखियों की जरूरत पड़ रही है। उन्होंने कहा कि जैसे हरियाणा में 14 फसलों पर MSP दिया जा रहा है, वैसे ही उन्होंने पंजाब सरकार से निवेदन किया है कि वो भी किसानों को फसलों पर MSP दे। क्षेत्र में आप पहुंचे हैं, क्या कुछ खास कहेंगे? मैं तो इतना बोलना चाहूँगा कि पार्टी संगठन का विस्तार जिस तरीके से पीछे हुआ, 90 की 90 विधानसभाओं के अंदर पार्टी का कार्य बढ़ रहा है, बूथ योद्धा के माध्यम से, बूथ सखी के माध्यम से नए लोगों को जोड़कर एक एक बूथ तक जो बढ़ाने का काम साथियों ने किया है, मैं प्रेम किशन आर्य जी को, अजय को, सबको बधाई दूंगा कि बड़खल के अंदर इनने प्रत्येक बूथ तक पार्टी के कार्यकर्ताओं का विस्तारण किया है। उन्होंने कहा कि 5 साल में कार्यकर्ताओं ने पार्टी को इतना विस्तारित कर दिया है कि आज जननायक जनता पार्टी का संगठन 90 की 90 विधानसभाओं में मजबूती से संगठन खड़ा हुआ है। कार्यकर्ता एक छोर से दूसरे छोर संगठन को प्रत्येक घर पहुंचाएं। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें इंसाफ की बात।